राशन नहीं मिल पाया, बड़ा दुख और काफी लोगों को राशन। मैडम कितने लोगों को नहीं मिला मैम? आप कैमरा लिया ना परान चलो जा। मेरे हिसाब से जितने कूपन इशू हुए थे उसके आधे लोगों को, आधे लोगों आधे आधे थोड़े ज्यादा होंगे, आधे लोगों को इधर तो बहुत लोग रह गए। मैडम क्या कारण है, व्यवस्था नहीं बन पाई या लोगों को राशन नहीं मिल पाया? कैमरा एएसटी न्यूज़ से मैं मनोज कुमार क्राइम रिपोर्टर हूं और दिल्ली क्षेत्र में हूं, विद्यालय सेकंड है दिल्ली का पसेड़ा का। तो कारण जानना चाहेंगे, जो पब्लिक खड़ी है उनके कूपन है, उन पर बताया जा रहा है कि केजरीवाल जी का, एक्चुअली हमें एक मिनट मैडम, केजरीवाल जी का फोटो होना चाहिए और वो पुराने का जो है कैंसिल हो गया है कूपन, क्या कारण है? सर ये हमें तो ऊपर से ऑर्डर आए थे कि 17 तक के ही कूपन दिए जाएंगे। अच्छा, तो हमने मतलब ये बता दिया था यहाँ बाद नए कूपन जारी हो रहे हैं और वही कूपन अपडेट हो रहे हैं दोबारा से, क्योंकि गवर्नमेंट ने नई एक किट भेजी है जो पहले नहीं उपलब्ध नहीं थी, अब किट भेजी है, वो राशन के साथ किट भी दी जाएगी, जो गाय राशन दिया जा रहा है। तो दर्शक जानना चाहेंगे आप किस व्यवस्था से खाना बांट रहे हैं, जो पुराने कूपन थे वो अलाउड नहीं है? नहीं अब नहीं, 18 से नहीं, पहले 14 तक थे, फिर फेज को बढ़ा के 17 तक कर दिया गया। और 17 तक अब ऐसा है, जैसे हमारी ड्यूटी होती है, हम अपनी तरफ से पूरा मतलब दो शिफ्ट है हमारी, 8 से 6 बजे तक यहाँ पर कूपन मतलब काम होता है जी। तो एक लिमिट होती है क्योंकि हमारा मैनुअल वर्क भी है और हमको ऑनलाइन भी सबमिट करने पड़ते हैं कूपन, तो उस हिसाब से हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं रोज। तो फिर भी हमारे यहाँ कूपन थे वो 8,000 से ऊपर थे। पर डे कितने कूपन दिए जाते हैं? दिन को खाना दिया जाता है, मतलब राशन ड्राई खाना दिया जाता है, राशन मतलब 200 से ऊपर रोज पर डे। और कितने दिन से दिया जा रहा है ये? हमारे वैसे 7 तारीख को आया था राशन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन 11 तारीख से जी। आप यहाँ इंचार्ज हैं या? इंचार्ज है, मैं सेक्रेटरी। अच्छा, क्या नाम मैडम का? रीना शर्मा जी। ये जो पब्लिक की भीड़ है अभी, उनके लिए कोई व्यवस्था या आपने आगे कार्रवाई करने की बात करी है? जांचे भाई इनके कूपन पे राशन नहीं मिलेगा, क्या करा जाए इनके लिए? क्योंकि ई कूपन बनाने के लिए इनको पैसा खर्च करना पड़ रहा है 50 से 100 रुपए एक आदमी को, क्योंकि मजदूर आदमी इनके पास सिस्टम नहीं है। ये चीज हम नहीं बता सकते आपको कि ये पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन आ रहा है जी जी, ये किस तरह से निकाल रहे हैं हमें पता नहीं। नहीं, प्रशासन तक ये आवाज पहुंचानी जरूरी है ना, गरीब लोग कैसे मारे जा रहे हैं, उनके पास तो खाने की रहने की व्यवस्था नहीं है। तो अपने ऊपर अथॉरिटी को बता देते हैं, क्योंकि वहीं से हमारे पास जो ऑर्डर आते हैं जी। यही जानना था कि आपने अथॉरिटी को बता दिया, एक बार प्रणाली देख लेते हैं किस प्रकार की चल रही है। ये देखिए मजदूरों को डिस्टेंस पे खड़ा किया गया है, मैं मनोज कुमार आपको दिखाना चाहूंगा। लेकिन देखो गरीब आदमी, ये तो भाई आ रहा था वैसे, लेकिन बहुत नुकसान हो, अपने रो रहे हैं लोग। ये जो खाने की व्यवस्था बिगड़ी है, क्या क्या कारण है इसका, मैं बता सकते हैं कुछ? नहीं, आप वितरण कर रहे हैं, मैं देखना चाहूंगा अंदर एक बार आके कि किस तरह किट आई है। मेरे सहयोगी राहुल जरा आ गया है, क्या क्या है मैडम इसमें बताएंगे आप? इसमें सब लिखा हुआ है, जरा बताएंगे को पढ़ के। 200 ग्राम हल्दी पाउडर जी, थोड़ा नजदीक आ जाइए। 200 ग्राम धनिया पाउडर जी, एक मिनट मैम, कैमरे पाई ऊपर देखिए जरा जी, पढ़ के ही बताऊंगी। अच्छा अच्छा बताइए जी जी, कोई बात नहीं। 200 ग्राम हल्दी पाउडर, 200 ग्राम धनिया पाउडर, 200 ग्राम मिर्च पाउडर, 2 नहाने के साबुन, 1 किलो छोले, 1 किलो रिफाइंड, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक। ये किस हिसाब से दिया जा रहा है, मतलब एक कूपन पे एक किट है? हाँ, या परिवार के सदस्य ज्यादा वो कैसे निर्वाह करेंगे? एक कूपन पे सिर्फ एक पूरी किट है। नहीं नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ एक परिवार में ज्यादा सदस्य है तो कैसे निर्वाह करेंगे? हमें तो डिपार्टमेंट से यही मिला है, एक परिवार में एक ही किट देंगे। और कितने समय के लिए? अब हमें तो नहीं पता कब तक है। नहीं मतलब एक आदमी दोबारा कब ले सकता है? नेक्स्ट महीने लेगा, अगले महीने, एक महीने के लिए लग रहा है आपको? एक महीने में गुजारा हो जाएगा? अब सरकार बताएगी। नहीं नहीं, फिर भी देखिए सामान की क्वांटिटी भाई, टीचर तो इनकी तो। अच्छा आप एज ए टीचर? हाँ, तो एक बार देख सकते हैं कितना आपने बांट दिया है। ये देखिए कल से शुरू हुआ है, ये किटें बांट दी, बांटने के लिए आई है शायद? हाँ जी, सब बांटने के लिए। कितनी किट होगी मैडम? और दूसरे रूम में भी है वो सब फाइल। कितनी होगी लगभग आइडिया? मोटा मोटी बिल्कुल नहीं है मैम, बताएंगे। चलो ठीक, कितनी आई? ये क्या है? इसमें तो रिफाइंड तेल है, ये रिफाइंड तेल है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये मैडम तेल दिखा रही है जी। किट के अलावा है? किट के अलावा ये तेल अलग से दिया जा रहा है, मतलब किट के अंदर नहीं है।
जी समझ गए, जी थैंक यू। इसके साथ ऐसे दूसरे कमरे में दिखाएंगे यही सब सामान, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। पब्लिक बेचैन हो रही है बाहर, बुरी तरह परेशान है लोग। यही होगा, ताला लगा हुआ है। एक मिनट भाई साहब, थोड़ा गैप बनाइए एक बार मैडम, थोड़ा सा एक बार। ये क्या हुआ है जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से आया हुआ है? मैं आपको चावल की वैरायटी दिखाता हूँ उठा के। ये चावल है जो लोग खा रहे हैं, और ये बोरियां लगी हुई है। ये तरीका क्या है तोलने का मैडम, इसके बारे में बताएंगे कुछ? ये कांटा लगा हुआ है, इस कांटे से इन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है राशन देने की। तोल के ही दिया जा रहा सबको। एक सवाल और पूछेंगे आपसे अभी, कितना गेहूं दिया जा रहा है एक कूपन पे? एक पर बंदे 4 किलो चावल ना, 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल एक कूपन पे। एक मेंबर तो कूपन पे कितना हो गए? जितने मेंबर होंगे उतना। ठीक है मैम, थैंक यू जी। मैडम कुछ बता रहे थे आप किट के बारे में कि आप थोड़ा सा। ये चावल है, ये चावल है, वो गेहूं था। एक मिनट जी, दोबारा जी। हम इनका जो कूपन नंबर है या इनका आधार कार्ड वो लिखते हैं जी, और ऑनलाइन इनका सबमिट होता है, पर उसके साथ साथ हमको मैन्युअली भी करना पड़ रहा है। पूरा रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, हर घंटे की रिपोर्ट जाती है कि कितना राशन बढ़ चुका है। और किस अधिकारी को रिपोर्ट जा रही है? हम अपने ऊपर अपने जो डीडी मैडम हैं उनको भेजते हैं, तो वो आगे। और फूड हमें अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, जैसे तो ड्राई फूड जो फूड डिलीवरी डिपार्टमेंट है उनको भी जाते हैं। क्या रिपोर्ट देख सकते हैं मैनुअल आपकी? कितने लोगों को कल राशन बांटा आपने, कल का, आज का नहीं? जी ये देखिए, टोटल मजदूर प्रवासी है और ये कूपन लेके खड़ी हुई है, टोटल 140 इनको राशन की आवश्यकता है, तो ये आई है स्कूल में। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगा, नहीं मोटा मोटी एक बार दिखा दीजिए। 146 परिवारों को कल बटा, 8 बजे से और कितने बजे तक? नए कूपन कल से स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारे पास ऑनलाइन हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था उनका। मतलब आपका कहना है जो मजदूर यहाँ राशन लेने आता है ये कूपन से आप उनको जरूर देके भेजते हैं? हाँ सर। और ये तय कौन करता है कि 500 कूपन या 200 कूपन कोई राशन दिया जाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कितना भी आए। हाँ जितने भी आए, हमारा टाइम है असल में 6 बजे तक का जी, तो 6 बजे हमारी लास्ट रिपोर्ट जाती है। लेकिन ये लिखने के काम के चक्कर में देरी होती है? तोलने का झंझट खत्म हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये आप CM तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं? नहीं, जो जाए जो सही बात हो वो बोलिए। मतलब ये नहीं, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इनको भी दिक्कत हो रही है, लाइन बढ़ रही है। और मुझे लगता है इनको भी आसानी होगी उठाना और पैक करना। हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देंगे कि लाइन ना लगे? सर एक चीज और, कहीं भी लाइन ना लगे। कैसे बताऊं? नहीं, कम से कम आप एक सुझाव डाल दीजिए, क्योंकि ग्राउंड पे आप काम कर रहे हैं। जितना जल्दी इनको मिलता जाएगा काम राशन, उतनी जल्दी लाइन कम होती जाएगी। हम भी चाहते हैं जितना प्रोसीजर का जो जेस्टेशन पीरियड है वो कम होता जाएगा जी, तो जल्दी जल्दी इनका काम होता जाएगा। अगर भीड़ होती है तो आप ज्यादा समय देते हैं, एक्स्ट्रा समय देते हैं? सर हमारा शिफ्टों में काम होता है, जैसे हमारा 8 से 1 है, हम वेट करते हैं जब तक दूसरा स्टाफ आता है। उसका आगे का क्या टाइम है? फिर 1 से 6 जी। ये थी
मैडम दो मिनट लेंगे, दो मिनट सिर्फ। आपके पास किट नहीं है शायद, दस्ताने भी नहीं है, 200 लोग आ रहे हैं। ये हम अपने लेके आते हैं, ये ग्लाउज वगैरह आपके अपने घर से लेके आते हैं। तो इसका जो खर्चा होगा वो खर्चा हमारा है, खर्चा इसमें आपको कोई पीपी किट वगैरह कुछ दी गई? प्रशासन ने लापरवाही कर दी। अभी एक टीचर का केस आया था, ऐसे ऐसे संक्रमित हो गई, डेथ हो गई। यहाँ तक हम समझते हैं किसी भी स्कूल में, मतलब हमें नहीं मालूम कि हमारे यहाँ के तो स्कूलों में कहीं भी ये सुविधा नहीं दी हुई जी। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आपके अधिकारी ऊपर वाले या सरकार? जब ये गवर्नमेंट का हम काम करें तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। बहुत बढ़िया बात, धन्यवाद। मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, लाइन का मेंटेन मैडम ने करा रखा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, रस्सी भी इन्होंने लगा रखी है, जितना बन पा रहा है कर रहे हैं और चेक करते हुए सिस्टम को दिखा रहे हैं हम। ये देखिए कूड़ा उठा रहे हैं लोग।